सभी जगह में मेरा निखिल का वीडियो, मतलब निखिल सर का वीडियो है मेरा लैपटॉप में 4K, इसमें फुल HD, इसमें 4K एंड इसमें फुल HD। तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई ले लो, और 5G का मजा लो क्योंकि फ्यूचर 5G है। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कल रात को लगाया और रात भर मैंने उसका एक्सपीरियंस किया। मेरे को रात को तो नींद नहीं आया, मतलब इतना फास्ट नेट मैं कैसे बताऊँ, मतलब खतरनाक वाला नेट है। सो आज मैं दिन भर उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसा क्या एक्सपीरियंस है, कैसा क्या उसका स्पीड है, क्या नहीं है, सब कुछ रिव्यू में डालने वाला हूँ आज का वीडियो में। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पॉन्ग बाइसेप्स। आज ब्लॉग शुरू करने में थोड़ा लेट हो गया है। एक्चुअली मेरा सुबह मॉर्निंग में मेरा 6:30 बजे पिकअप था। सो वो पिकअप में मैं गया, फिर रिटर्न आया, घर आके फिर टिफ़िन बनाया। पीयू का तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है इसलिए उसको भी थोड़ा सा टाइम दिया, दवाई ववाई खिलाया। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम मेरा उसमें घट गया। सो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होगा। अभी मेरे को फिर से निकलना पड़ेगा, ये टिफ़िन खा के फिर से निकलना पड़ेगा। टिफ़िन मतलब जैसे ही मैं काम ख़त्म करके मैं रिटर्न आऊँगा 11:30 तक, उसके बाद मैं रिव्यू डालना शुरू करूँगा एक एक करके। मैंने कल रात को तो मैंने चेक कर लिया, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। एक्चुअली आज दूसरा टाइप का कुछ वीडियो बनाने का मेरा डिसीजन था, लेकिन सडनली मैंने माइंड चेंज किया क्योंकि अभी तक भी बहुत लोगों के पास एक्सट्रीम फाइबर नहीं है। अंडमान में तो नहीं है बहुत लोगों के पास, कोलकाता में बहुत लोगों के पास नहीं है, ठीक है। सो इसलिए मैं सोचा कि हाँ ठीक है, एक रिव्यू बनाते कि कैसा क्या है, आप लोगों को भी पता चलेगा कि 5G का एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या होता है। मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट करूँगा भैया आप लोग भी ले लो एक एक्सट्रीम फाइबर, खतरनाक वाला एक्सपीरियंस है, खतरनाक वाला। मतलब लिटरली आपको लगेगा आप फ़ोन में सेव करके रखे हो वो वीडियो को आप देख रहे हो, मतलब सिंगल पॉइंट बफरिंग नहीं है, सिंगल पॉइंट इतना फास्ट है। मैं फटाफट टिफ़िन कर लेता हूँ, टिफ़िन करके टिफ़िन में मेरा यहाँ पे है अंडा फ्राई और मेरा यहाँ पे है मतलब बूस्ट। सो अभी ये मैं पी के काम पे निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे को 10 बजे पहुँचना है साइट पे। और यहाँ पे अभी ये आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि बैटरी का चार्ज देना है, चार्ज खत्म हो चुका है बैटरी का। सो उसको चार्ज पे डाल के मैं काम पे जाता हूँ और आके फिर मैं रिव्यू डालना शुरू करता हूँ। मेरा लैपटॉप भी यहाँ पे पड़ा है, देखो लैपटॉप भी पड़ा है, कल का वीडियो एडिट हो गया था। जैसे कि मैंने बोला कि अगर एक्टिव हो जाता है तो उसका नेट से ही मैं वीडियो डालने वाला हूँ, और मैं आज मैं वही करने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने भी वाला हूँ कि कितना जल्दी वीडियो अपलोड होता है। जस्ट मैं घर आया, अभी ड्रेस अप किया और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाजार करने के लिए। सो मेरा कैमरा का जो बैटरी है यहाँ पे चार्ज पे बिठाया हुआ है, अभी तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हुआ करके ऐसे मैंने रख दिया इसको। और बाज़ार में हम लोग आलू प्याज वगैरह टमाटर ये सब कुछ हम लोग को ख़रीदने जाना है, क्योंकि जब मैं कोलकाता से यहाँ पे आया फिर से 24 दिन का छुट्टी लेके फिर से जब आया यहाँ पे, तो आने के बाद हम लोग लोकल बाज़ार में गए थे थोड़ा बहुत सामान खरीदने के लिए। उससे हम लोग का एक दो हफ्ता गुजर गया। अभी हम लोग का क्या है कि पूरा एकदम सामान खरीद के हम लोग को लाना है, और एक बार जाना भी, और एक कैंटीन में हम लोग एक भैया से हम लोग कार्ड लिया है जुगाड़ करके पुलिस कैंटीन का, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत सामान लाते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा खर्चा सेव हो जाता है, भाई बाहर रहते हैं तो थोड़ा तो खर्चा सेव करने का बात भी सोचना चाहिए। मेन जो चीज़ चाहिए अभी चाहिए बैग, लेकिन बैग कहाँ पे रखा पीयू, बैग कहाँ पे है? इसमें तो टिफ़िन बॉक्स वगैरह मैंने रख दिया है, और बैग, बड़ा बैग चाहिए मेरे को। इसमें तो चावल रखा है, एक काम करता हूँ, इसका जो चावल है इसको इसमें डाल देता हूँ ये वाले में।
तो जाके ये वाला बड़ा बैग खाली हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बैग मेरे को चाहिए। जितना सब सामान आएगा इसमें आ जाएगा, ये बड़ा साइज का बैग है। अनएक्सपेक्टेड मेरा आईफोन का एक अपडेट आया था, जो मतलब मैंने सोचा था कि आईफोन 6 का तो अपडेट आना बंद हो गया था, आईफोन 6s का भी बंद हो जाएगा मैंने सोचा था, लेकिन लकीली मेरा फ़ोन में आ रहा है अभी। पता नहीं किसी किसी का, अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर अगर आईफोन 6s यूज़ कर रहे हो तो कमेंट में बताओ कि तुम्हारा अपडेट आ रहा है कि नहीं। मेरे पास तो भाई अपडेट आ रहा है। कल मैंने ये 5G से मैंने अपडेट किया, 2.5 GB का अपडेट था, और मतलब वो अपडेट हुआ करीबन 2 मिनट में। मेरा घर में, कोलकाता का घर में जो वाईफाई है उससे मेरा जब भी मैं अपडेट करता था, इतना बड़ा बड़ा GB का अपडेट करता था, एटलीस्ट मेरे को टाइम लगता था 30 मिनट 40 मिनट, इसमें तो 2 मिनट में मेरा अपडेट हुआ। इंस्टॉल आज किया लेकिन 2 मिनट में मेरा अपडेट कम्प्लीट हो गया था, इतना फास्ट नेट है। और अभी बाजार जा रहे, घर आके फिर मैं रिव्यू देता हूँ कि उसका नेट का स्पीड कैसा, और मैं आप लोगों को लाइव एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कि कैसा खतरनाक वाला। हम लोग घर आए, एक्चुअली हम लोग जो बैग लेके सामान लाने के लिए गए थे वो मतलब फूट गया, जो उसका हैंडल था वो हैंडल से टूट गया, पूरा फूट गया बोलता, टूट गया पूरा। अभी चेंज करने के लिए आए, और अभी जाना है हम लोगों को कैलकाटा स्वीट्स करके एक दुकान है जहाँ पे कोलकाता से स्वीट्स वगैरह आता है, तो हम लोगों को वहाँ जाना है दही देखने के लिए। दही मतलब यहाँ पे क्या मिलता है, पैकेट वाला दही। मेरे को पैकेट वाला दही नहीं चाहिए, जो जमाना वाला होता है वो मिट्टी का जो मटका होता है उसके अंदर जमाया वाला एक दही मिलता है, वो मतलब ये दही नॉर्मल सफ़ेद वाला दही, वो दही मेरे को चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप लस्सी बनाओगे, कुछ भी करोगे या तो नॉर्मल खाओगे, वो सबसे अच्छा होता है। पैकेट दही से जो जमाया वाला दही होता है उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा शरीर के लिए काम करता है, फैट बर्न करता है, प्रोटीन है, हेल्दी फैट है, सब कुछ है उसमें। लेकिन पैकेट वाला मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। तो जैसा कि जिसके लिए हम लोग बाहर गए थे ये वाला दही के लिए, एक्चुअली क्या होता है पैकेट दही में उतना टेस्ट, उतना स्मेल, फिर उतना प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता करके हम लोगों ने लूज़ दही लेके आया। अभी इससे हम लोग लस्सी बनाएंगे। सो फिलहाल पहले हम लोग लस्सी बना लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, मेरे को फिर से बाहर काम पे जाना पड़ेगा। अभी 1 बज रहा है, मेरे को 3 बजे निकलना पड़ेगा। सो मेरे हाथ में आज 2 घंटा है, 2 घंटे के अंदर मेरे को नहा के, खाना खा के, घर का पूजा दे के, यूट्यूब का वीडियो रिव्यू बना के फिर मेरे को काम पे जाना पड़ेगा। सो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, मैं फटाफट पहले बना लेता हूँ, इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सभी लोग घर में लस्सी बनाना सभी को आता है, और अगर नहीं आता है तो कमेंट में डालो, एक दिन मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे सबसे अच्छा शॉर्ट टाइम में आप लस्सी बना सकते। सो एक्चुअली टाइम बहुत कम है करके मैं क्या किया कि बाजार में गया था करके मैं बाजार से बिरयानी लेके आ गया। मैं बोला ठीक है भाई, टाइम बहुत ही कम है, एक्चुअली मेरे को काम पे भी जाना है, यहाँ पे मेरे को यूट्यूब का वीडियो भी बनाना है, सब कुछ करना है, एक साथ दोनों लाइफ हैंडल करना हो गया बहुत मुश्किल बात है। फिर इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो बिरयानी लेके आ जाते, इसमें थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, एटलीस्ट मैं खाना खा के उसके बाद मैं रिव्यू वीडियो बना सकता। स्मेल, बिरयानी का कलर, हम लोग का मतलब टिक बोल सकते हैं ये जगह में, मतलब सीने में है हम लोग का पूरा, वो कलर, वो टेस्ट, वो स्मेल, मतलब वो हम लोगों को मतलब दूर से लगेगा ना, हाँ भाई पेट भर जाएगा ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन फिलहाल मुंह का स्वाद, टाइम बचाना, ये सब के लिए कर सकते हैं हम लोग। एक चीज़ यहाँ का एडवांस पॉइंट है कि हम लोग का कोलकाता में ये पापड़ नहीं मिलता जो यहाँ पे मिलता है। इसको मैंने बोला कि बाजार से आने के टाइम कि तुम्हारे लिए भी और एक प्लेट ले लेता हूँ, बोला नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए, मैं खिचड़ी खाएगा। कल रात को बेसिकली मैंने खिचड़ी बनाया था और वही खाने वाला ही है, लेकिन अभी मैं खा रहा हूँ करके थोड़ा सा इसको चख के देखना। हेलो आलू, ये सिर्फ आलू का शौकीन है, आलू इसको जितना भी दे दो ये आग बंद कर लेगा। क्या आलू तो मैं कैसे खिला के देना पड़ता है बच्चों के जैसा है। सो टाइम हो रहा है 1:40 ऑलमोस्ट, और अभी वो मोमेंट है जब मैं चेक करने वाला हूँ सब सिस्टम से, अपना घर में जितना भी सिस्टम है, मतलब मेरा ये लैपटॉप, उसके बाद मेरा ये वाला, जैसे कि मेरा ये वाला लैपटॉप जिसका बात मैं कर रहा था, ये वाला लैपटॉप, ये 1, 2, 3
ये तीन फोन, ये लैपटॉप, इसको कनेक्ट करके मैं देखने वाला हूँ कि कितना सारा, कितना ज़्यादा स्पीड ले रहा है और कितना ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा लोड मेरा वाईफाई ले सकता है। तो फिलहाल मैं पहले चेक कर लेता हूँ रीकन्फर्म के लिए, वाईफाई तो ऑन है लेकिन फिर भी रीकन्फर्म के लिए चेक कर लेता हूँ। फिलहाल वाईफाई ऑन है, बॉक्स चल रहा है, एयरटेल का लाइट चल रहा है, मतलब बॉक्स चल रहा है। मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है, जो ऐप है ओकला का सर्टिफाइड। ओकला सिर्फ एक ही ऐप है जो आपको एक्यूरेट टाइमिंग, आपको स्पीड टेस्ट में आपको बोल सकता है कि कितना स्पीड चल रहा है, वो है ओकला, जिसको एयरटेल भी सर्टिफाइड करता है। सो अभी मैं फिलहाल वो ऐप को ऑन कर रहा हूँ और फिलहाल मैं दिखा भी सकता हूँ, ये देखो इसमें ऑफ है, इसमें मेरा कोई भी नेट वगैरह कुछ नहीं है। एक मिनट दिखा देता हूँ, एक मिनट ब्लर क्लियर करता हूँ। ये देखो मेरा वाईफाई यहाँ पे बंद है, पूरा एकदम बंद है, ये देखो वाईफाई बंद, इसमें भी वाईफाई बंद है, ये देखो इसमें भी वाईफाई बंद है, काट के रखा है। मैं ऐप दिखा देता हूँ, जो ऐप है वो है एक्चुअली ये वाला स्पीड टेस्ट, ऐसा साइन कराएगा जो ओकला का सर्टिफाइड होता है, ये वाला ऐप। सो ये ऐप में क्या होता है, आपको एकदम रियल टाइम आपको बताने वाला है कि कितना ज़्यादा स्पीड आपको मिलने वाला है, क्योंकि बाकी जितना भी ऐप वगैरह है वो सब कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी ऐप है। प्ले स्टोर में मिल रहा है फर्स्ट पार्टी ऐप, लेकिन वो क्या होता है, काम होता है थर्ड पार्टी की तरह, क्योंकि मैं डाउनलोड करके देखा, जबकि मेरा स्पीड मेरे को बोला गया है 100 Mbps स्पीड मिलने वाला है, जबकि मेरे को स्पीड वो दिखा रहा है 50 Mbps, कभी 20 Mbps, वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। 20 Mbps मेरा BSNL में देता था, मैं काम का एयरटेल भी क्यों लूँगा ना। मेरे को 100 Mbps बोला है, ठीक है 100 Mbps अगर नहीं भी मिलेगा, एटलीस्ट 80 Mbps तो मेरे को मिलना चाहिए। सो मैं इसीलिए ये ओकला ऐप को डाउनलोड किया। लोग देखो वाईफाई यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है। सो अभी सिर्फ एक ही डिवाइस मेरा कनेक्ट है, सो मेरा अभी सिर्फ एक ही फ़ोन कनेक्ट है, सिर्फ एक फ़ोन कनेक्ट है। अभी इसको पहले मैं ऑन करता हूँ, पहले मैं इसको ऑन किया है, देखो जैसे इंटरफेस आ रहा है तो यहाँ पे काउंट करके ऑलरेडी दिखा दिया है कि डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड सब कुछ दिखा दिया। मैं इसको अगर फिर से चलाना चाहता हूँ तो स्पीड, एक मिनट ये देखो स्पीड में टेस्ट अगेन, अभी देखो टेस्ट कर रहा है, देख लिया स्पीड, देख लो स्पीड, और ये जो स्पीड दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 123 Mbps हो रहा है डाउनलोड स्पीड, 123 Mbps हो रहा है अपलोड स्पीड, मतलब स्पीड सोच लो सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्ट करने से। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसमें मेरा लैपटॉप फर्स्ट, और कनेक्ट करके मैं इसमें यूट्यूब चला रहा हूँ, पहले करके देखते हैं कि कितना हो सकता है। तो जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को भी बताया, तो मेरा ये वाला फ़ोन में एक्चुअली 4K सपोर्ट है, तो इसमें भी मैं 4K वीडियो चलाने वाला हूँ, इसमें 4K, मेरा लैपटॉप में 4K, और बाकी इसमें Full HD एंड इसमें भी Full HD मैं अभी चलाने वाला हूँ, चला के दिखाने वाला हूँ। सभी जगह में मेरा निखिल का वीडियो, मतलब निखिल सर का वीडियो है, मेरा लैपटॉप में 4K, इसमें Full HD, इसमें 4K एंड इसमें Full HD, अभी सभी को मैं चलाने वाला हूँ। पहले लैपटॉप का, लैपटॉप का स्टार्ट किया, इसका स्टार्ट किया, इसका स्टार्ट किया, इसका स्टार्ट किया, अभी देखो लीजिए सिंगल बफरिंग नहीं है कहीं पे भी, सिंगल बफरिंग कहीं पे भी नहीं है, एक साथ चारों डिवाइस कनेक्ट है और फुल स्पीड दे रहा है, फुल स्पीड, मतलब मैं किसी भी घर पे, मैं अगर किसी भी घर पे चला जाऊँ वहाँ पे फुल स्पीड देने वाला है, मतलब इतना खतरनाक स्पीड है, और इतना खतरनाक स्पीड मतलब मैं कभी भी आइडिया नहीं किया था अंडमान में मेरे को मिलने वाला है। सो खतरनाक वाला स्पीड जो अभी तक नहीं लिया, मैं उन लोगों को एक बार बोलूँगा भाई मेरा अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई ले लो और 5G का मजा लो, क्योंकि फ्यूचर 5G है। सो एक चीज़ तो मैं करना ही भूल गया, वो है कि इतना सारा वीडियो देख देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि ओरिजिनल स्पीड टेस्ट करना ही भूल गया। सो अभी बारी जो है वो है स्पीड टेस्ट करने का, क्योंकि इतना सारा ये में चल रहा है सेटअप में, एक साथ वीडियो चल रहा है, अभी बारी है स्पीड टेस्ट, इसमें क्या है मार्क दे पाएगा कि नहीं वही पता करना है मेरे को। सो अभी यहाँ पे फिर से ओपन कर लिया वो वाला सेम लगा, वो अभी करते हैं हम लोग टेस्ट अगेन, यहाँ पे कर दिया फिर से टेस्ट अगेन।
मतलब तीनों डिवाइस 4K चारों डिवाइस सॉरी 4K एंड फुल HD सब डिवाइस कनेक्ट करके मेरा स्पीड दे रहा है डाउनलोड स्पीड 108 Mbps एंड अपलोड स्पीड दे रहा है 127। अभी तक मैंने एक फ़ोन का हिसाब तो मैंने अभी तक किया ही नहीं, जो है मेरा बिजली का फ़ोन, उसको तो मैं अभी टाइम नहीं सकता, उसका तबीयत खराब है, वो घर में बैठ के वो अपना एंजॉय कर रहा है, उसका फ़ोन कनेक्ट किया है, पहले से ही उसका फ़ोन कनेक्ट है। सो अभी तुम पकड़ लो कि मेरा लैपटॉप में चल रहा है 4K में वीडियो, मेरा आईफोन में चल रहा है फुल HD में वीडियो, इस फ़ोन में चल रहा है फुल HD में वीडियो, और उसके साथ साथ ये वाला फ़ोन में भी चल रहा है 4K में वीडियो। तो सब कुछ कनेक्ट करके 108 Mbps डाउनलोड स्पीड 122 Mbps समथिंग देखा मैंने, बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं बोलने वाला मैं भाई, देख के ही बोलने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखा स्पीड टेस्ट, एक मिनट कितना देखा 127 बोल रहा था, 127 Mbps अपलोड स्पीड, मतलब सच्ची में भाई मैंने गलत कुछ नहीं बोला, फ्यूचर 5G है। सो अभी हम लोग करने वाले रियल टाइम एक्सपीरियंस अपलोड का, कि अपलोड कैसा, थोड़ा मुंह को थोड़ा बात करने का तरीका अलग रहेगा क्योंकि मेरा मुंह में सोम है एक्चुअली, वो हजम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने डाला है। अभी जस्ट बिरयानी खा के उठ के रिव्यू करने के लिए बैठा। सो मेरे पास जो फाइल है वो फाइल को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, तो इसको मैं ओपन कर लिया। सो ये फोल्डर नंबर 2 में मेरा फाइल है, ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और मेरा है ये वाला। सो इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं पहले, सॉरी देख लो कितना प्रॉपर्टीज़ का है, 171 MB, ठीक है। सो अभी इससे पहले जब मैं अपलोड करता था 171 MB मतलब 717 MB अपलोड होने में ऑलमोस्ट टाइम लगता था कम से कम नहीं करके 1 घंटा, ठीक है, मेरा जब BSNL था। सो अभी आज फर्स्ट टाइम मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ और देखता हूँ कैसा। सो यहाँ पे मैंने फाइल ऑलमोस्ट करके रखा है, सिर्फ ओपन मारना ही बाकी है, तो इसमें मैं फोकस डालता हूँ ऐसे और डाल देता हूँ ओपन। सो स्वाइप अप, अपलोडिंग स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे, अपलोड दिखा रहा है 1%, और यहाँ पे टाइम हो रहा है कितना, 2:08। मैं और भी जूम कर देता हूँ, अच्छे से देख लो भाई, 2:09 हो गया है, अभी दिखा कितना रहा है देखो, अभी 1% देखा, अभी जस्ट 1% देखा, अभी देखो कितना दिखा रहा है, 26%, 27%, 28%, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट में 717 MB का फाइल अपलोड हो रहा है, मतलब सोच लो कि कितना फास्ट है स्पीड एक्चुअली। सो मतलब ख़तरनाक वाला स्पीड है, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ और एक बार बोल रहा हूँ, फ्यूचर 5G है। जब तक मैं बात कर रहा हूँ तब तक यहाँ पे देखो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 55% है ना, 55% 62% देखो, आप सिर्फ एक काउंट करते रहो। एक्चुअली इसको देख के क्या लग रहा है कि एक्चुअली जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा, CD डाल के रखा हूँ, नॉर्मल वो रीडिंग होता जा रहा है भाई, हो गया। जब तक मैं आप लोगों से बात कर रहा था तब तक एक वीडियो अपलोड हो गया, देखो 93% प्रोसेसिंग में आ गया, मतलब अपलोड हो गया, अभी सिर्फ प्रोसेसिंग में है, ये प्रोसेस हो रहा है। एक्चुअली 3 स्टेज में होता है, 1, 2, 3, ये राइट आ जाएगा, मतलब सब कुछ ओके है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो टाइम देखो कितना है, 1 मिनट, 1 मिनट में 717 MB का फाइल अपलोड हो गया, मतलब कितना स्पीड, सोच लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके आंखों के सामने मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि कितना खतरनाक स्पीड है ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का।